दोस्तों, अगर आपको भी सीआईडी शो जो है वो देखना पसंद है और आपके सी आप सीआईडी के जो इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर पूर्वी को देखना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एपीएम पिक्सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबा लीजिए घंटी के बटन को, बिकॉज हमारे चैनल पर आपको क्रिकेट, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो खुशखबरी है वो ये है कि सीआरडी का जो शो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे। जी हाँ दोस्तों, सीआरडी का शो जो कि पिछले 21 साल से टीवी पर चल रहा था, सबसे लंबा रनिंग शो था इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का, वो कुछ महीने पहले बंद हो गया था, लेकिन हेवी पब्लिक डिमांड के बाद अभी शो के प्रोड्यूसर्स ने यह घोषणा कर दिया है कि जो सीआरडी का शो है वो बहुत ही जल्द टीवी पे वापस आने वाला है 1 महीने के अंदर। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको एक मेन चीज बता दूं कि सीआरडी का जो शूटिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है मुंबई के फिल्म सिटी में। इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर पूर्वी, अपने एसीबी प्रद्युमन सब शूटिंग कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हमको जो फर्स्ट एपिसोड है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीआरडी के जो मुख्य किरदार हैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरडी के इंस्पेक्टर पूर्वी यानी कि अंसा सैयद के बारे में। दोस्तों, सीआरडी में सब इंस्पेक्टर पूर्वी यानी अंसा सैयद की जो लाइफ है वो काफ़ी सिंपल ही रहती है। वो सीरियल में अभिजीत के साथ और दया जी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों, सीआरडी के अलावा वो आहट 2 में भी और लागी तुझसे लगन जैसे सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि अंसा जो है अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर ही रखते हैं, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते। और दोस्तों, अगर उनके बॉयफ्रेंड की बात करें तो उनका जो बॉयफ्रेंड है वो मुंबई का ही है और उनका एक खुद का जिम है, लेकिन उनका नाम जो है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही दोस्तों पता चल जाए मैं आपको सबसे पहले बताने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक किए बिना मत जाएगा। और मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।